शादी 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 हो रहा है गाइस। यहाँ पे फाइनली खाना वगैरह खा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग फोटोज वगैरह नियम कानून। सभी को स्वागत है मेरा इस नया वीडियो पे। जैसे कि कल सभी लोगों ने देखा था मेरा वीडियो शादी के लिए तैयारी। यस, आज फाइनली शादी होने वाला है मेरा मौसी का, यानी कि मेरा मम्मी का, चाचा जी का बेटी का। और वो शादी होगा लखीमपुर आसाम पे। और सीरियसली बताओ तो मैंने बताया था पहले भी कि शादी मतलब देखा देखी के जा रहा है। ऐसा बड़ा शादी नहीं है, जस्ट सिंपल सा, मतलब बुजुर्ग बस्ती से बुलाएगा, उसके बाद आशीर्वाद लेके ऐसे चले जाएगा। तो लेने के लिए अभी तक पहुंचा नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो तैयारी हो रहा है। एक छोटा सा देवरी लोगों का नियम होता है, एक नियम करना पड़ता है उसमें। तो नियम के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है सब अपना घर घर का लोग ही। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं बुलाया, ज्यादातर बहुत ही कम लोग। और आप लोगों को दिखाता हूँ दुल्हन गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है दुल्हन डिम्पी माही। आए हाय सुंदर। और यहाँ पे मामी जी भी आया है, और ये मामा का बेटी भी आया है, और यहाँ पे मौसी भी आया है, छोटा मौसी। ये है छोटा मौसी। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे खनौलता मायूंग, जूही देवरी, कुला स्पोर्टिंग, और यहाँ पे माताश्री, और यहाँ पे झिया बोई है। और ये है नकिलिनी गाइस। ये कल परसों इसका शादी हुआ है, और इसका शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इसलिए यहाँ पे अभी बहुत बड़ा सा शादी नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का सा। ये बहुत इसका शादी पूरा धूम धड़का हुआ बहुत ही अच्छा से। तो अभी अभी है बाइडो का शादी, यानी कि मौसी का। और अंदर में चलते हैं, अंदर में सभी लोग है। यहाँ पे है मामी, और यहाँ पे निभा पे, और आबोय। और दोस्तों सीरियसली बताओ, कोई भी अलग आदमी है नहीं, सब हम लोग सभी लोग पूरा फुल फैमिली मेंबर्स लोग ही है हम लोग। कोई भी अलग आदमी है नहीं, सिर्फ फैमिली मेंबर्स लोग ही है। और अभी बहुत ही मजा से तैयार हो रहा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो एजाई दुल्हन का पिताजी। हेलो मुमाई, आ हा हा। और गाइस सीरियसली बताओ तो जब लोग आएगा ना, तब यहाँ पे बैठेगा, दोरा रूम बोलता है इसको, तो यहाँ पे बैठेगा। और ये है नकेलिनी का हस्बैंड मोहा। आपका शादी हो गया? आज रात कैसा लगा? अच्छा सो पाया। चलो अच्छा बात है। काफी सुंदर से डेकोरेशन गाइस यहाँ पे देख सकते हो। वाओ, ये सभी लोग मैंने तो बिल्कुल सीरियसली बताता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सजाया, ये सभी लोग ही सजाया है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी आ रहा है, बहुत ही जल्दी पहुंच चुका है। तो कुछ ट्रेडिशनल नियम के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार है। तामुल टुकड़ा तो मैंने इसलिए। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुका है, और ये है बम्बू। हम लोग का देवरी का नियम होता है, ऐसे बम्बू को मतलब रास्ता को बंद किया जाता है, और डिमांड किया जाता है पैसा कितना दे एज योर विश। तो हम लोग और वो पैसा से पार्टी खाया जाता है गाइस, और हम लोग पार्टी खाएंगे वो पैसा से, क्योंकि इस बार इसका शादी में रखने के लिए गया था इसको, लेकिन इसका अभी मतलब ये वाला शादी में रखने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम लोग रात को एंजॉय करेगा ना गाइस। इसलिए वेट हो चुका है ओवर, फाइनली आ चुका है दूल्हा। एक नहीं आया है, बहुत सारे आए हैं, मोहा के साथ आए हैं बहुत सारे दोस्त लोग, अभी तो मोहा ही बोलना पड़ेगा, तो दूल्हा। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा मिठाई वगैरह लेके आए हैं। और ये जो सासुमा है मेरा मौसी का, ये मोहा का मम्मी है। और यहाँ पे देख सकते हो, अब दूल्हा को मैं दिखाता हूँ ये वाला। यहाँ पे अभी कुछ ट्रेडिशनल नियम होगा, आप लोग को बता दो। यहाँ पे मतलब आए हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे जो उसका खुलाली है वो पैर धुला रहा है, पैर धुलाने का बात ही अंदर, और पोस देता है गामुसा से, साथ ही साथ यहाँ पे गामुसा भी पहना रहा है। एक्चुअली ये सम्मान है, सुंदर सा ट्रेडिशनल देवरी गामुसा। और यहाँ पे देख सकते हो मुंह मीठा करने के लिए रसगुल्ला, और जो है उसका हालपुटी वो उसको उठा के लेके जा रहा है रूम पे। एक्चुअली हम लोग का नियम होता है ऐसे उठा के लेके चलते हैं, तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है। और जैसे मेहमान आ चुका है, मैं यहाँ पे सामान वगैरह बांटने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे जलपान बोलते हैं हम लोग, दही सीरा होता है। और जैसे यहाँ पे देने के लिए आया, तो सभी लोगों ने फोटो मारने के लिए शुरू हो गया, क्योंकि ये सभी लोग लखीमपुर आसाम से आए हैं, और सभी लोग मेरा वीडियो भी देखता है। और जो यहाँ पे जो दूल्हा जो सामान लाया था दुल्हन के लिए, कपड़ा वगैरह पहनने के लिए, खारू मोनी, वो अभी दे रहा है। और ये है दुल्हन का मम्मी, यानी कि मेरा आबोई, बहुत ही ज़्यादा दुखी है दिल ही दिल। यहाँ पे देख सकते हो बातें वगैरह हो रहा है, पहले तामुल पान देना पड़ता है, उसके बाद कपड़ा। सभी लोग यहाँ पे आके सभी लोग बैठ रहा है, देख रहा है, क्योंकि आज लास्ट डे है ना। बड़ा सा शादी नहीं है, बस ऐसे छोटा मोटा नियम करके भेजेगा बोल के ना गाइस।
और यहाँ पे देखो काफी दुखी 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 माही। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कैसे भेजना है, कैसे कैसे कब काम, कौन कौन सा टाइम पे क्या करना है। और सभी लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही खुशी माहौल है गाइस, बहुत ही खुश हूँ। सामान वगैरह दे दिया है और यहाँ पे देखो हो रहा है अभी रिंग पहनाएगा, यहाँ पे रिंग पहनाएगा अभी। और मैं वहाँ में साइड में, और वैसे गाइस मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं आप लोग कॉमेंट करके जनाना। फिर से पहनाया अभी, माही भी पहनाया उसका होने वाला पति को, पहनाया गमोसा, उसका बाद सुंदर सा एक सोने का अंगूठी मुहाने पहनाया, और माही ने भी पहनाया है एक सोने का अंगूठी, ये देख सकते हो। और यहाँ पे जो उसका ससुरबुरी है यानी कि मेरा अबोई, उसका सासुमा पहनाया है उसको सोने का एक चेन गिफ्ट किया है अपना दामाद जी को, ये देखो। और समंथ लोग सभी लोग मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पे खाने का शुरू गाइस, जितने भी मेहमान आए हैं सबके लिए खाना, हम लोग तो खाएंगे बाद में, पहले मेहमान को खिला लेते हैं उसके बाद लास्ट में हम लोग खाएंगे, ये देखो गाइस सभी लोग। और यहाँ पे मैं भी इन लोगों के साथ ही बैठ गया, दुल्हा दुल्हन के साथ ही मैं बैठ गया। बैठने का बाद खाएंगे मैं भी खाना, क्योंकि ये अकेले ये दोनों कैसे खाएगा ना, तो खराब आएगा, इसलिए मैं भी इन लोगों का, इन दोनों के पास ही मैं भी बैठ गया, मैं भी खा लेता हूँ भोजन यहाँ पे। और अभी यहाँ पे सभी लोग काम करके, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी अभी खा रहे हैं, और अभी जाने का टाइम हो रहा है। फाइनली गाइस पीछे में रह गया है सभी लोग रो रहा है, अबोए अबोए अजाए लोग सभी लोग रो रहा है। और यहाँ पे गाइस हम लोग का जो मंदिर है बुढ़िया बाबा, मतलब बुढ़िया बाबा का नाम से लास्ट में एक हया किया जाता है, यानी कि एक मतलब आशीर्वाद लिया जाता है, पूजा जो तामुल पान दे के पूजा किया जाता है गाइस भगवान का नाम पे। ये मतलब जाने का टाइम पे हम लोग का जो भगवान है बुढ़िया बाबा, उसके लिए मतलब ये एक्स्ट्रा से ये नमन कर रहा है कि रास्ता में अच्छा से जाना है। सभी लोग अभी गाड़ी पे बैठ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे बैठ गया है, बाय बाय। और यहाँ पे देख सकते हो बैठ चुका है गाड़ी पे, बाय बाय सभी को, बाय बाय मोहा, बाय बाय मही, अच्छा से लेके जाओ, धीरे धीरे लेके जाओ ड्राइवर सर, बाय बाय माही, अच्छा से जाना, ख्याल रखना अपना। गोल गयो, तो सभी लोग चले गए हैं। और यहाँ पे मौसा जी यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है, लगाओ 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 अपना एक घर है, कुछ ही देर के बाद हम लोग भी काम मतलब काम करने के लिए शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ मैं काम कर रहे हैं। और सभी लोग धीरे 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 जा चुका है, ये देखो पूरा खाली। और अपना जितना भी हम लोग का रिश्तेदार लोग आया था, फैमिली मेम्बर्स लोग आया था, मम्मी लोगों का फैमिली मेम्बर्स लोग, अभी ये लोग भी सभी लोग अभी चले जाएगा अपना अपना बस्ती, अपना बस्ती मतलब बस्ती में चले जाएगा, बस जाएगा रात को आएगा कि नहीं, रात को नहीं आएगा, नहीं आएगा, बाप रे बाप, सभी लोग हैं। और यहाँ पे बाय बाय, रात को नहीं आएगा हैं, रह जाओ नहीं तो, रह जाओ फूटी करेगा, रह जाओ हम तेरे, नहीं और भी है ना, रह जाओ फूर्ति करेगा, मुर्गी दो है रात को डुबाएगा। डालीने खोनी पहले है भाई, ओके अभी जाने का टाइम। फाइनली सभी लोग अभी बस्ती चले जाएगा दोस्तों, सभी लोग अभी बस्ती चले जाएगा, बस्ती चलने के बाद मैं रहूंगा और मम्मी लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोग यहीं में रहेंगे, अभी यहाँ पे वेट करेंगे। अबोय चला गया है बड़ा माही, अभी कैसा लग रहा है, हैं अबोय कैसा लग रहा है, दुख लग रहा है यहाँ पे अबोय और वहाँ पे एजाय और यहाँ में माँ, अभी घर में कोई भी नहीं है गाइस। और वहाँ पे नौकरी का हस्बैंड बेचारा, वो मोहन नौकरी का हस्बैंड बेचारा काम कर रहा है वहाँ पे, करो 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 वाओ। और दोस्तों मैं सफेद पहन के आया हूँ, इसलिए मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, फट से गंदा हो जाता है, तो ड्रेस ड्रेस चेंज करने के बाद मैं भी काम पे लग जाऊंगा गाइस। सो गाइस सभी लोग चले गए हैं, दूल्हा दुल्हन भी चले गए हैं यहाँ से, और कोई भी घर पे नहीं है, खुजवाओ क्या खुजवा रहा है ये, अभी तक खुजवा रहा है गाइस
सो गाइस सभी लोग चले गए हैं, चले जाने का बाद अभी घर पे सिर्फ नानी है और नानी है, नाना है, और उसके बाद मैं हूँ, मेरा मम्मी है, उसके बाद बिटू मामा अभी आया है, और उसके बाद अभी रात को कुछ पार्टी वगैरह करेंगे गाइस। इसलिए बता दो, मेरा नानी माँ का सिर्फ दो ही बेटी है, एक है निकू और एक है दिम्पी, दोनों के दोनों शादी हो गया है लखीमपुर साइड में दोनों के दोनों। अभी नानी माँ नाना जी अकेले है, और बस वही है वीडियो। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जानना गाइस, और बस वही है, वो बस वही है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और गाइस मैं भी, और मेरा शादी के लिए और 10 साल बाकी है, मैं भी शादी करूँगा, 10 साल बाकी है, आप सभी लोग मेरा शादी पे आना गाइस। और मैं अभी बड़ा होता जा रहा हूँ, बहुत ही हैंडसम होता जा रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो कोई कोई अगर लड़की अगर सिंगल हो तो गाइस, कोई अगर सिंगल हो तो मैं पटाऊंगा। बाय बाय गाइस।